चैत्रुर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन। क्या है चैत्रुगढ़ और क्या है इसकी खूबसूरती, दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीज टूरिज्म विद किशन। तो दोस्तों आज की यह जर्नी होने वाली है चैत्रुगढ़ के बारे में, मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग आए हैं प्रकृति गोद में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह चैत्रुगढ़। इसे देख सकते हो। अभी आज हम लोग एक्चुअली स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हैं जीटो ऑफिशियल हमारे प्रकाश भाई के साथ में, और आज चैत्रुगढ़ जाने वाले हैं। मंदिर वंदिर सब घूमेंगे और रुकने का भी प्लान है, कैंपिंग वैम्पिंग करने का पूरा सोच के आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार जर्नी होने वाली है। एक और हमारे साथी है विशु नदाम ऑफिशियल करके इनका चैनल है, विशु भाई ट्रैवल करते रहते हैं साथ में। आप लोग कमेंट में से पूछते हैं ना, मैं नाम नहीं बताता, तो इनका नाम विशु है, विशु नदाम ऑफिशियल करके इनका चैनल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, देखेंगे मंदिर वंदिर, किला विला बहुत फेमस और बहुत ही प्राचीन है। सब चीज़ें आपको जानकारी आगे बताऊंगा वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, लाइक कर दो वीडियो को अभी से। तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग ऊपर में मंदिर के पास, चलिए चलते हैं। और थोड़ा वो हो गया रोड वोड, फाइनली आ गए हम लोग कंक्रीट रोड में। ये कंक्रीट बना हुआ है पूरा, यहाँ से आपको मंदिर तक लेके जाएगा रास्ता। यहाँ पास झरना बनता है जब पानी गिरता है बहुत, तो लेकिन अभी पानी वानी नहीं है, तो वाटरफॉल भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पास। बारिश के पानी से यहाँ से आता है। दोनों के दोनों व्लॉग कर रहे हैं, putting a lot of weight in his bag. वैसे तो दोस्तों मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, ये आई थिंक 10वीं या 12वीं बार होगा, और हर बार ही यहाँ मतलब बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है यार, नेचर से भरा हुआ। हम लोग दूर दूर जाते हैं ऐसी ही जगहों को देखने के लिए। मान लीजिए कोई भी हिल स्टेशन होता है, तो चैत्रुगढ़ भी एक हिल स्टेशन ही है, जैसा कि फेमस है चैत्रुगढ़ छत्तीसगढ़ कश्मीर नाम से। लेकिन ये जगह जस्टिफाई करता है क्योंकि बहुत ही ऊपर से खूबसूरत नज़ारा रहता है, ख़ास करके जो बरसात का मौसम होता है और सावन में जो अगस्त होता है, अगस्त जुलाई में, तो उस समय यहाँ लोग काफ़ी आते हैं। शंकर गुफा जो है, जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा शंकर गुफा भी। और मेन तो अभी का वही है कि मंदिर के और देखने दर्शन कराने आपको, क्योंकि तो हमेशा मैं कभी वीडियो बनाने यहाँ आता हूँ तो हमेशा मंदिर के जो दर्शन है वह रह जाता है। उसके अलावा जो द्वार है और शंकर गुफा, तो काफ़ी सारी प्लानिंग है, धीरे धीरे अनफोल्ड होगा वीडियो में आगे ऊपर चढ़ते चला। वो हमारे भविष्य के यूट्यूबर आ रहे हैं उधर से। ये वाला एरिया पहले गिर गया था, अभी नया बना है। उधर से आपको पहाड़ी का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों पेश करता हूँ आपके सामने छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैत्रुगढ़। लो मजा लो।
ये जो शॉर्टकट रास्ते हैं ना, इनसे आने से फायदा ये होता है कि वो जो लंबी दूरी है आपको कवर नहीं करनी पड़ेगी, है ना। देखिए अब एक मोड़ हम बच गए और सीधा पहुंच गए हम लोग सिंहद्वार के पास। इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इधर से अंदर जाएंगे तो मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, या तो फिर आप इधर से जा सकते हैं। देखते हैं हमारे साथी यूट्यूबर्स का क्या कहना है। सो फाइनली गाइस, वी हैव अराइव्ड ऑन टॉप, पीछे में मंदिर, आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे हम लोग। अभी क्या है, मौसम अच्छा तो है लेकिन अभी क्या है, इस सीज़न में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, ज़्यादा लोग आते नहीं यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रहा होगा। सारे जो ये गेट वगैरह सब बंद हो गए हैं, लेकिन मंदिर आई थिंक खुला होगा। मंदिर में आपको लेके जाऊंगा अंदर और दिखाऊंगा। चलो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं यार, बहुत थकावट हो रही है। उसके बाद टेंट वेंट लगाएंगे, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे उसका। चलो भैया मज़ा आ गया। तो अब प्रकाश भाई बताएंगे हम लोग टेंट कहाँ पास लगाने वाले हैं और आगे का प्लान क्या है। लेता हूँ उनको भी आड़े पे मैं। बताओ प्रकाश भाई, आज हमारा टेंट हम लोग सोच रहे हैं कि महिषासुर मर्दिनी का जो खूबसूरत मंदिर है उसी के जस्ट कोने पे एक लगाएंगे और रात यहीं आज बिताने का प्लान है चतुर्गढ़ में ही। और देखते हैं हमारी नाइट कैंपिंग कैसे होने वाली है, क्योंकि ये हमारा चौथे से पाँचवीं बार नाइट कैंपिंग होने वाली है और चतुर्गढ़ हमारा ये फर्स्ट होने वाला है कैंपिंग। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हम इस वीडियो में बताएंगे बिल्कुल कि आप भी आइए और यहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और यहाँ करने में आपको क्या क्या सहूलियत मिलेगी और कहाँ पर आपके लगाने के लिए सबसे बेस्ट है और टेंट कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भी। बस तो मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, प्रकाश भाई को पहली बार लेके आए हैं तो उनके एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी था, उनको कैसा लगा करके। और कुछ जगह अभी देखी है हम लोगों ने और कुछ जगह और बची हुई है जो प्रकाश भाई के हिसाब से कल हम लोग कवर करने वाले हैं, वो काफ़ी थक गए हैं, या फिर रेस्ट करके हम लोग एक दो जगह और जाएंगे तो उसका वीडियो भी आगे देखेंगे। भाई रेस्ट एंड पीस हो गए, ये बंदा रेस्ट नहीं करता यार, इसको बोलो रेस्ट करने के लिए। अब देखो प्लान यही की हमारा प्लान अभी यही है कि अभी पहले जाना है, टेंट गाड़ना है, इसके बाद थोड़ा एक दो घंटे रेस्ट करनी है, कुछ खानी है, इसके बाद फिर से कुछ प्लेसेस को घूमते हैं और उसके बारे में कंफर्म कर लें कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें हैं। वो कंफर्म होने के बाद ही फिर से कल एक नया ब्लॉग शूट करेंगे जो अच्छे से शूट करेंगे, जिससे आप लोग को इन्फॉर्मेटिव टाइप का वीडियो मिल सके इस वीडियो पे। तो पहले चले निकलते हैं टेंट की ओर और टेंट इंस्टॉल करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसके बाद हम एक बार घूम लेते हैं चतुर्गढ़, इसके बाद आपको दिखाते हैं।
उसका फोन आता है भाई। दोस्तों अभी हम लोग अब अपना कैंप लगाने वाले हैं, यही लगाने वाले हैं मंदिर के थोड़ी जस्ट सामने में। अभी हम लोग को यही सिर्फ थोड़ा जगह लगा है और आसपास में कुछ जानवर वगैरह भी निकल आते हैं, बिच्छू सांप वगैरह, तो हम लोग यही सेफ लगा रहे हैं। 3x3 वाला टेंट है, मतलब तीन लोगों के लिए सफिशियंट यहाँ पर स्पेस रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं टेंट। तो दोस्तों हम लोग का टेंट लग गया है, अब हम लोग कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कैसा होता है। दोस्तों वी आर हियर इनसाइड अवर टेंट, हम लोगों ने टेंट लगा लिया है और 3x3 का टेंट है, तो अभी हम लोग पीने ये अब पीछे देख सकते हो कैमरा ठीक से जिप नहीं, प्रकाश भाई सोए हुए हैं और इधर विशु भाई है, तो अभी हम लोग थोड़े यहाँ पर चिल करेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे में शायद खाने की व्यवस्था है तो वहाँ से खाना खाएंगे। अभी फिलहाल हम कोई कुकिंग नहीं करने वाले, कुकिंग का प्लान तो था लेकिन अब सोचते हैं कि हम लोग वहीं से खाना खा लेंगे और सुबह जो होगा ब्रेकफास्ट उसके लिए हम लोग कुछ जुगाड़ पानी करेंगे, तो वो देखेंगे अभी आगे फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। तो चलते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में नीचे खाना खाने और मिलते हैं आप लोगों से नीचे डिनर के। तो दोस्तों हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे में जैसे कि मैंने बताया था आपको टेंट में खाना मिलता है, तो अभी रात्रि भोज करने के लिए जा रहे हैं, 5 बजे हैं तो ठीक ही समय होगा वहाँ जाके ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि ऑर्डर पे ही खाना बनता है। तो अगर आप लोग यहाँ आओगे, अगर आपको खुद से नहीं बनाना है तो आपको पहले से ऑर्डर करके बनवाना पड़ेगा। चलो तो आप लोग नीचे मिलते हैं, हम लोग होटल पर जाते हैं, बात करते हैं उसके बाद। चलिए क्या जुगाड़ लगाए हो, लाना मत के सब्जी क्या चीज के हैं? चटनी के कुटू है हाँ वही से
मैंने पूछा था उनसे देख कर नॉन सीजन में भी मिल गया खाना, और खाने में क्या बताऊँ, बस दाल है, चावल है, अचार है और मशरूम और आलू की सब्जी है, और दीदी ने मशरूम बनाया था दोपहर का, तो वो भी है। तो देखते हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा खाना है, गांव का खाना है, और आपको भी यही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, यही खाना आपको मिलेगा। जल्दी से खाना फिनिश करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं टेंट के पास, क्योंकि बारिश हो रहा है। टेंट का हाल क्या है पता नहीं, जाके देखते हैं। तो दोस्तों, बारिश भी अभी रुक गया है और हम लोग का खाना पीना भी हो गया है। बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। हो सके तो हम लोग फिर सुबह आएंगे खाना खाने के लिए। और अभी हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे बाइक लेके। इधर भी तो दिखाओ यार, हमारे ड्राइवर है विशु भाई, चतुर्गढ़ की खतरनाक सड़कों पर बाइक चलाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि चतुर्गढ़ के जो पहाड़ी है उसमें टोटल 7 तालाब है। 3 तालाबों में हमेशा पानी रहता है और 4 तालाब हमेशा सूखे रहते हैं, जो मैं उस समय आपको नहीं दिखा पाया था। तो अभी हम लोग टेंट आ गए हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर, और टेंट को टेंट में प्रकाश भाई को सुला कर हम लोग इधर आए हैं विशु के साथ। हम लोग और प्रकाश भाई सोए हैं टेंट में। तो आपको मैं सुखड़ी तालाब दिखाने लाया हूँ। ये जो तालाब है हमेशा रह जाता है और इसको कोई यूट्यूबर जो है दिखाता नहीं। अब मेरे हिसाब से ये पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ भी लोग आते हैं, और पिछले जब मतलब महाराजा लोग यहाँ रहते थे होंगे, तो उस समय ये काफ़ी यूज़ कर रहा होगा, अभी भी यूज़ का है। तो ये तालाब बाकी दोनों तालाबों से छोटा है। इसके अलावा गरगज और सीधी तालाब है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और उसके अलावा ये है आपका सुखड़ी तालाब, पीछे में है गरगज पहाड़। अभी एक और व्यू पॉइंट है जो यहाँ पास है, शायद जामवंत व्यू पॉइंट बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ भी आपको लेके। दोस्तों, शाम के 7:30 बज चुके हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे। हम लोग अभी भी चतुर्गढ़ के चारों चक्कर लगा रहे हैं विशु के साथ। हम लोगों ने बीच में सोचा कि चलते हैं वापस टेंट के पास, क्योंकि शाम हो रहा था, 7:30 बज गए, तो जानवर वगैरह आ जाते हैं। लेकिन यार बिलीव नहीं करोगे आप लोग, हम लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं चतुर्गढ़ के, जो कि ये शायद आई थिंक व्यू पॉइंट 7वां या 6वां व्यू पॉइंट है, जहाँ कोई आया ही नहीं है, और एकदम अनटच्ड प्लेस टाइप का लग रहा है यार, क्या बताऊँ। और इतना खूबसूरत नज़ारा, ये चतुर्गढ़ का पीछे वाला जगह है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, और क्या बताऊँ यार, यहाँ का नज़ारा देखो, पीछे देख। तो दोस्तों, हम लोग की मैगी बन गई है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, दिखाता हूँ मैं। जुगाड़ पे बनाए हैं हम लोगों ने, यहाँ से पुजारी जी के जो हवन कुंड वाला बना है वहीं पर हम लोगों ने जला के बनाया है। और रात के अभी 8:30 बजे हम लोग मैगी खा रहे हैं, खाना वाना तो हो गया, तो इसलिए मैगी बना खा रहे हैं, थोड़ा सा भूख लग रहा था। तो पीछे भाई लोग को देख सकते हो, मस्त मैगी इंजॉय कर रहे हैं दोनों की बैठ। तो जो अपना टूर का प्लान है, आज तो ज़्यादा जगह आपको घुमा नहीं पाया, लेकिन कल आपको ज़रूर घुमाऊँगा। खा पी के थोड़ी देर में हम लोग भी आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह आप लोग के लिए ड्रोन शॉट आएगा, और जो व्यू पॉइंट हम लोगों ने देखा और वो सब का आपको ड्रोन शॉट मिलेगा। तो मिलते हैं सुबह।